हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम देखेंगे अकाउंट्स प्रो में जो ऑटो स्पेयर पार्ट की जो कंपनी है तो उनके जो MIS रिपोर्ट रहते हैं वो हम कैसे व्यू करेंगे। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहता है वो रहता है हमारी सेल्स समरी, मंथली या डेली। मंथली हमारा क्या सेल आ रहा है, उसमें हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो देखने के लिए ये इन्वेंट्री मेनू में हमारे पास है MIS रिपोर्ट सेल्स समरी। यहाँ पे आप कोई भी डेट रेंज दे सकते हैं और उसका डेटा चेक कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हम एक शॉर्ट डेटा यहाँ पे देते हैं 4 महीने का। यहाँ पे फॉर्मेट और भी बहुत सारे यूजफुल फॉर्मेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो वो आप जब भी इसका डेमो इंस्टॉल करो या लाइसेंस लो आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं सेल्स एंड प्रॉफिट समरी। यहाँ पे उसकी पीरियडिसिटी कि ये डेटा हमको डेली बेस के ऊपर देखना है, मंथली, क्वार्टरली। फिलहाल हम ये देख रहे हैं मंथली बेसिस के ऊपर। तो मंथली हमारा ये सेल आ गया कि मई मंथ में हमने इतना डिस्काउंट दिया, इतना सेल किया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना हमने टैक्स पे किया। इस तरह जून, जुलाई, अगस्त, तो सभी मंथ का जो हमारा इम्पोर्टेंट डेटा है वो हमारे सामने आ गया। हम यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से मंथ में अच्छा सेल है, कौन से मंथ में सेल्स कम हो रहा है। यहाँ पे फिर इसका सेल्स चार्ट भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा 4 महीने का यहाँ पे सेल्स चार्ट आ गया। अगस्त की डेटा एंट्री कुछ कम रहेगी इसलिए यहाँ पे कम आ रहा है। इस तरह प्रॉफिट का चार्ट या डिस्काउंट का चार्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप रिपोर्ट में जाके अगर आप उसको डेली बेस के ऊपर देखना चाहो तो यहाँ पे हम एक मंथ का देंगे और यहाँ पे पीरियडिसिटी डेली करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डेली बेस का सेल आ गया कि पर डे हमारा कितना सेल आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप यहाँ पे सेल्स का एनालिसिस कर सकते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहता है वो रहता है हमारी स्टॉक की मूवमेंट समरी, कि हमारे पर्टिकुलर आइटम के ग्रुप है या टाइप है तो उसमें पर मंथ कितनी क्वांटिटी इन हो रही है, कितनी आउट हो रही है। तो हम यहाँ पे रिपोर्ट में स्टॉक मूवमेंट समरी, ये रिपोर्ट कई बार हमें जब बैंक में सबमिशन करना हो तो वहां पे भी काम में आ सकता है। यहाँ पे हम 3 महीने का डेटा देते हैं यहाँ पे 1/4 से 30 से। फिर यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो कि आपको कौन से ग्रुप का डेटा देखना है। अभी ब्रांड में मान लीजिए मैं यहाँ पे सिर्फ टाटा ब्रांड देता हूँ, यहाँ पे मैं शो करूंगा। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ग्रुप आ गया, दो ग्रुप है टाटा में। तो यहाँ पे ये टाटा ग्रुप जो दूसरा बनाया गया है कि भाई ये 1/4 को ओपनिंग कितना था, फिर आपने इतना परचेस किया, इतना सेल किया, अभी इतना क्लोजिंग है। इस तरह जितने भी आइटम थी सभी का यहाँ पे डिटेलिंग आ गया। लास्ट में टोटल आ गया, इतनी आइटम थी, मतलब इतना हमने परचेस किया, इतनी वैल्यूएशन का हमने परचेस किया, इतनी वैल्यूएशन का सेल किया और अभी इतना हमारे पास स्टॉक पड़ा है। तो ये फिगर्स आपको बहुत सारे काम आ सकते हैं आपके सेल्समैन को देने के लिए, बैंक में देने के लिए। तो यहाँ पे स्टॉक मूवमेंट समरी का आप यूज कर सकते हैं और इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहते हैं हमारे प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, हमारे बैलेंस शीट के जो रिपोर्ट रहते हैं वो फाइनल रिपोर्ट में अवेलेबल रहते हैं। ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। यहाँ पे आप कोई भी रिपोर्ट ओपन करोगे, बैलेंस शीट ओपन किया, यहाँ पे आपको ग्रुप वाइज समरी आ जाएगी। आप किसी भी हेड में जाके लास्ट की एंट्री तक यहाँ से पहुंच सकते हैं, जिसे मैं करके जा रहा हूँ। तो मेरी एंड जो एंट्री थी रिसिप्ट की एंट्री यहाँ पे आ गई, एस्केप से मैं यहाँ पे वापस आ जाऊंगा। तो इस तरह आप अपने फाइनल रिपोर्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। फिर आपके इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहते हैं कि मंथली आपके टैक्सेशन रिपोर्ट यानी आपके GST रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप GST रिपोर्ट में जाके यहाँ पे आप डेट रेंज प्रोवाइड करोगे, मान ली 1/5/19 से 31/5/19। यहाँ पे फॉर्मेट है GST के जो रेगुलर रिपोर्ट रहते हैं 3B, GST का सेल्स रजिस्टर, सेल्स रिटर्न का रजिस्टर, सेल्स की डेली समरी के पर डे हमारा कितना सेल्स आ रहा है और कितना उसमें GST आ रहा है। फिर GSTR1 का एक्सेल और JSON फाइल जो हमें अपने कंसल्टेंट या CA को देना पड़ता है तो वो भी इसमें से जनरेट हो जाता है। फिर यहाँ पे सेल्स रजिस्टर का बिल और उसके टैक्स परसेंटेज वाइज बायफरकेशन चाहिए तो वो भी निकल सकता है। इस तरह परचेस, परचेस रिटर्न रजिस्टर, GSTR2 का एक्सेल फाइल, GSTR4 का और परचेस रजिस्टर का भी बायफरकेशन यहाँ पे निकल सकता है। यहाँ पे आप GST 3B समरी में जाओगे तो ये इसका यहाँ पे आ गया कि इनपुट GST कितना हुआ लोकल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, आउटपुट GST कितना हुआ। यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन आ जाएगा आपका, ओपनिंग आपका क्या बैलेंस था, इनपुट आउटपुट, टैक्स पेबल कितना आया, यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन आ गया। और यहाँ से 3B XLS जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है GST 3B का एक्सेल फाइल का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक्सेल फाइल रेडी हो जाएगी और उसमें से उसका डायरेक्ट आप JSON फाइल भी रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे,
यहाँ पे इसका लोकेशन देंगे, फाइल जनरेटेड, डू यू वांट टू ओपन। तो ये हमारा जीएसटी 3B का फाइल आ गया, जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड फाइल है वो। तो यहाँ पे सारे फिगर्स हैं वो ऑटो फिलअप हो गए। यहाँ से बस आपको वैलिडेट करके उसका फाइल जनरेट करना है। सो बड़ा सिंपल। इसी तरह GSTR1 का जो भी आपका फाइल रहता है वो भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, जेसन और एक्सेल फाइल। ये हमारे GST रिपोर्ट हो गए। इसके अलावा हमारा स्टॉक का पीरियडिक समरी भी कभी हमको एनालिसिस करना पड़ सकता है। यहाँ पे इन्वेंट्री में रिपोर्ट स्टॉक आइटम पीरियडिक समरी, एक पर्टिकुलर एक आइटम पूरे मंथ में या पूरे डे वाइज कितनी सेल हो रही है वो हमको एनालिसिस करना हो। जैसे हमने किया, ये आइटम लिया रिपेयर, उसका डेट रेंज दे दिया, उसका हमने मंथली एनालिसिस किया, तो यहाँ पे आ गया कि उसका ओपनिंग क्या था और हर मंथ में इसका इन और आउट कितना हो रहा है वो हमको यहाँ से जानने को मिल गया। सो फ्रेंड्स, ये कुछ रिपोर्ट थे MIS रिपोर्ट के, जो आपको मंथली या पीरियडिक बेस के ऊपर काम आ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट MIS रिपोर्ट्स रहते हैं, जो आप जब भी सॉफ्टवेयर को लाइसेंस बाय करते हो या फिर डेमो में यूज करते हो तो उसका हम आपको डिटेल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कोई भी सजेशंस या फीडबैक हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें, या तो फिर आप हमारे ये नंबर के ऊपर फ़ोन करके हमें आपके फीडबैक बता सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।